नमस्कार एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल टेक्निकल पंकज कुमार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक कमाल की एप्लीकेशन लेकर आया हूं, जहां पर दोस्तों आप अपनी परफेक्ट फैंटेसी 11 बना सकते हैं, जहां पर दोस्तों आपको हर खिलाड़ी का स्टेटस आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको उन खिलाड़ियों का स्टेटस भी देखने को मिलेगा कि किस खिलाड़ी के कौन से खिलाड़ी ने किस खिलाड़ी को ज़्यादातर आउट किया है या किस खिलाड़ी ने किस बॉलर्स के ऊपर कितने रन्स मारे हुए हैं। तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो बस इस वीडियो को देखिए पूरा। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एकदम नए हैं, आपको कुछ नहीं पता कि फैंटेसी क्रिकेट टीम कैसे बनाई जाती है, तो वो सब सारी चीज़ें इसमें आप जान जाएंगे, साथ ही साथ दोस्तों आपको बनी बनाई भी टीम यहां पर मिल जाएगी। तो दोस्तों हम चलिए इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको एकदम डिटेल में बताता हूं कि कैसे आप यहां पर सारे रिकॉर्ड देख सकते हैं, कितने मैचेस खेले हैं, कौन सी आपको पिक करना चाहिए, किसके लास्ट परफॉर्मेंस अच्छे हैं, सारी चीज़ें आपको यहां पर मिलेगी। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। अब ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर लिंक मिलेगी, उस पर टैप करिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अब दोस्तों जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक तो फैंटेसी मिलेगा और एक दूसरा मैच सेंटर मिलेगा। तो देखिए फैंटेसी में क्या हो सकता है कि आप यहाँ पर फैंटेसी अपनी टीम बनाकर भी पैसे जीत सकते हैं। जैसे ये है तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ लीग पे, और यहाँ पर अपनी टीम क्रिएट करके आप पैसे लगा करके पैसे जीत सकते हैं। ये तो फैंटेसी टीम कैसे बनाना है, लेकिन यहाँ पर मैं दोस्तों आप अगर आप किसी भी मैच में जैसे कि फैंटेसी एप्लीकेशन में जैसे ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सरकन, माई टीम इलेवन और भी बहुत सारे जितने भी फैंटेसी ऐप्स हैं, उनमें अगर आप टीम बनाना चाहते हैं या ड्रीम टीम बनाना चाहते हैं, तो इसमें आपको हर प्लेयर्स का रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो कैसे, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं टैप करता हूं, जैसे कि आज का जो मैच है वो यहां पर CSK vs GT का है, तो मैच नंबर 7 है। यहां पर आपको सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं आपकी आपको पिच कंडीशंस मिल जाएंगे कि इस पे जो बैटिंग का स्कोर चेसेस का देख सकते हैं, यहां पर हाईएस्ट स्कोर कितना बन सकता है, फर्स्ट बैटिंग का एवरेज क्या है, विकेट स्प्लिट क्या है स्पिन एंड पेस के द्वारा। और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर आप स्क्वाड देख सकते हैं, प्लेइंग 11 स्क्वाड जो हो सकते हैं, बट यहां पर आ जाते हैं हम यहां पर क्रिकलेटिक्स पे आ जाते हैं। इस पर क्या है दोस्तों, आपको प्लेयर्स मैचअप फॉर्म इंडेक्स एंड की स्टेटस मिलेगा। जैसे कि देखिए प्लेयर मैचेस पे अगर जैसे हम आते हैं क्लिक करते हैं, तो अब जैसे कि यहाँ पर देखिए ऋतुराज गायकवाड़, अब ऋतुराज गायकवाड़ और यहाँ पर जो बॉलर्स जो दिखेंगे आपको ये दिखेंगे GT के, जैसे GT के बॉलर जैसे राशिद खान पे मैंने क्लिक किया तो ऋतुराज गायकवाड़ ने यहाँ पर लगभग 10 ओवर राशिद खान के खेले हुए, जिसमें उन्होंने यहाँ पर 9.5 की एवरेज से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 95 रन मारे हुए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने 2 बार आउट किया है। तो जितनी बॉलों में इन्होंने 2 बार ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया है, साथ ही साथ मोहित शर्मा के देख सकते हैं और नूर अहमद पे भी यहाँ पर उमेश यादव का भी देख सकते हैं, मतलब इन्होंने किन किन बॉलर्स की गेंद खेली हुई है और उन पर कितना रन बनाया है और कितनी बार आउट हुआ है, वो सारी स्टेटस आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसी तरह और भी जैसे प्लेयर्स हैं जैसे कि मोहन अली ने राशिद खान पर देखिए 3 बार आउट हो चुके हैं और ज़्यादा कोई अच्छा खासा रन भी नहीं बनाया, राहुल तिवतिया पे भी आउट हो चुके हैं, साथ ही साथ साई किशोर यानी कि यहाँ पर स्पिन के खिलाफ यहाँ पर मोइन अली ज़्यादातर आउट हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर MS धोनी देख सकते हैं किन किन बॉलर को खिलाफ खेले हैं और कितना रन बनाया है, सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। उमेश यादव पे सबसे ज़्यादा रन बनाया है, राशिद खान पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर सबसे कम रन बनाए हैं बट विकेट अभी तक नहीं दिया है। साथ ही साथ मोहित शर्मा की बात करें तो 3 बॉलों पर 1 रन बना के 2 बार विकेट हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सारे खिलाड़ी के स्टेटस मिलेंगे आपको और बॉलर भी मिलेगा उनके उनके खिलाफ कि कितना अच्छा प्रदर्शन रहा है। साथ ही साथ GT का जैसे आएंगे सुमन गिल, दीपक चहर देख सकते हैं, दीपक चहर ने यहाँ पर 52 गेंदों में यहाँ पर 71 रन दिए हैं और 3 बार यहाँ पर सुमन गिल को आउट किए हैं। साथ ही साथ सरदुल ठाकुर का देख लीजिए, महेश पखत यहाँ पर देख सकते हैं, पथिराना का देख लीजिए, मुकेश चौधरी का देख लीजिए, तो यहाँ पर जितने भी बॉलर्स होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि प्लेयर्स के स्टेटस आपको देखने मिलेंगे। फॉर्म इंडेक्स में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको एक पिक करना है, जैसे कि आपको लगता है कि कौन सी प्लेयर हमें लेना चाहिए अपने टीम में, तो जैसे देखिए यहाँ पर उनके लास्ट जो 5 मैचेस है या 1 ईयर की एक्सपीरियंस जो भी खेले हैं अब तक के परफॉर्मेंस, वो सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि यहाँ डेरेन मिचेल, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, MS धोनी, समीर रिजवी का भी तो अवेलेबल नहीं है बट ठीक ठाक बैटिंग करते हैं, और यहाँ पर अचिन रविंद्रा यहाँ पर देख सकते हैं वेरी गुड और नेचुरल यानी कि नॉर्मल चीज़ें हैं, और GT का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उस प्लेयर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने टीम में। अब यहाँ से आप सारी चीज़ें देखेंगे अपने ड्रीम इलेवन टीम में, जाएंगे ड्रीम इलेवन ऐप में या फिर माई ड्रीम इलेवन में, अब जो भी आप फैंटेसी एप्लीकेशन यूज करते हैं उसमें जाएंगे, वहाँ पर आप
इन प्लेयर्स को देख देख कर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपके हाईएस्ट जो पॉइंट देने वाले प्लेयर थे, और साथ ही साथ हेड टू हेड यहाँ पर देख सकते हैं इनके बीच का मुकाबला जो है 5 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 3 GT जीती है और 2 CSK जीती है। और आपको पता है कि पिछले प्रीवियस मैच में यहाँ पर फाइनल भी GT और CSK के बीच में हुआ था, तो वो मैच CSK ने जीता था। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग एवरेज वगैरह मैंने आपको पहले ही बता दिया, और यहाँ पर देख सकते हैं ये इंडेक्स मैचअप मैंने आपको दिखा दिया, यानी कि इसमें आपको सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड मिलेंगे, किसके विरुद्ध कितने रन किसने मारे, कितनी बार विकेट अपने यहाँ पर खोए हैं। साथ ही साथ ये प्लेयर्स दिखेंगे आपको, सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड भी यहाँ पर दिखेंगे। जैसे देख सकते हैं ये प्लेयर्स अभी जैसे यहाँ पर है समीर रिजवी, तो देख सकते हैं 7 मैचेस में फैंटेस्टिक क्लब में यहाँ पर देख सकते हैं उनके रिकॉर्ड देख सकते हैं आप। और यहाँ पर मैं जैसे ऋतुराज पे भी क्लिक करता हूँ तो उनके सारे T20s के रिकॉर्ड, स्ट्राइक रेट, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और फैंटेसी पॉइंट्स भी इनके जो प्रीवियस फैंटेसी पॉइंट्स थे वो सारी चीज़ें आपको देखेंगे, कितने कितने पॉइंट्स ये देते आ रहे हैं, तो अच्छे खासे इनके पॉइंट्स मिलते हैं हर मैचेस में, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। यहाँ पर फैंटेसी क्रिकेट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर जैसे ही आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बनी बनाई टीम भी मिल जाती है। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए बनी बनाई टीम भी मिल गई आपको, आप इसे एडिट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपने ड्रीम इलेवन ऐप में यूज भी कर सकते हैं। तो जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये एक टीम बनी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट्स के जो है ना, यहाँ पर ये सारी पॉइंट सिस्टम भी हैं और कितने पॉइंट्स प्रोजेक्ट पॉइंट्स यानी कि हो सकते हैं, मतलब एक बार ये टीम जैसे बनी है तो इसके प्रोजेक्ट पॉइंट देख सकते हैं 500 से लेके 620 तक हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बनी बनाई भी टीम मिल सकती है, इस टीम को भी आप अपने इसी तरह टीम भी बना सकते हैं अपने माई टीम इलेवन या माई इलेवन सरकार या माई ड्रीम इलेवन में, ये सारी चीज़ें आप बना पाएंगे, बनी बनाई टीम भी मिलेगी, साथ ही साथ आप यहाँ पर विन भी कर पाएंगे और आप यहाँ पर क्रिकेट का स्टेटस भी देख पाएंगे हर प्लेयर्स का। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको और भी बता दूँ कि इस एप्लीकेशन में आप तो फैंटेसी एप्लीकेशन भी मिलते हैं, यानी कि फैंटेसी में यहाँ पर अपने पैसे लगाकर भी यहाँ पर पैसे जीत सकते हो। तो उससे पहले दोस्तों आप यहाँ पर मैच सेंटर में जाइए, यहाँ से अपने जो भी अभी के टाइम पर जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसके लिए आप यहाँ से टीम बना सकते हैं, रिकॉर्ड्स देख करके, मैच कर करके, सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखने के बाद बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।